Yeah, I think the key point is that the digital infrastructure just gets keeping richer. You know, a lot of people know about the identity system and the digital payment systems, and that the government, by taking virtually all the government payment programs now and digitizing those, that alone saved a lot of money and it created access on a more equal basis. But now, as you're moving into the different areas, advice for farmers, registering their land, tutoring for kids, and the health records, connecting all of those, that's kind of a second phase. And we're just at the beginning now of the third phase, where these advances in artificial intelligence will come on top of that and make the value even better. आपने सही कहा, एआई का महत्व बहुत है। और मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूं, हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूं, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है, वो इतना एडवांस हो गया है। अब देखिए मैं कैसे उपयोग करता हूं, मैं आपको बताऊं, जिसको देखकर आपको भी खुशी होगी कि कॉमन मैन कैसे एआई का उपयोग कर सकता है। जैसे मैंने G20 में एआई का बहुत उपयोग किया, मेरे पूरे G20 का परिसर था उसमें पूरा का पूरा एआई का उपयोग करके सारे इंटरप्रेटर्स की व्यवस्था मैंने एआई से की। मैंने मेरे सभी ड्राइवर्स को मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड करवा दिया, उसके साथ बैठे हुए गेस्ट उनको करवा दिया। मान लीजिए वो फ्रेंच भाषा जानते हैं तो ड्राइवर के पास ऐप में फ्रेंच की व्यवस्था थी, वो ड्राइवर के साथ फ्रेंच में बोलते थे, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में सुनता था, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में जवाब देता था। यानी ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में वो कर सकते थे। मैंने अभी एक प्रयोग किया, मैं काशी तमिल संगम में एक कार्यक्रम करता हूँ, तो काशी में तमिलनाडु के लोग आए हुए थे, तमिल भाषा मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो मैंने एआई का उपयोग किया, मैं हिंदी में बोला और सबने मेरा भाषण तमिल में सुना एआई के द्वारा। खुशी, हाउ एम यूजिंग माई नमो ऐप, और मैं एआई का बड़ा उपयोग करता हूँ और मेरे लिए पूरे देश में बहुत काम आता है। ये मेरा फोटो बूथ है, अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर, टेक द सेल्फी। ओके, यस, वाओ, सो यू कैन सी, वाओ, नॉट ओनली दिस, सिंस लास्ट 20 इयर्स मेरे साथ आपके जितने भी फोटो होंगे, जितने भी मेरी फोटो होंगे 20 साल की, सारे इस पर आ जाएंगे। कभी और किसी पब्लिक फंक्शन में मान लीजिए आपका एक 1/10 पार्ट दिख रहा है, तो वो फोटो में भी अगर मैं दिखता हूं और आपका 1/10 भी दिखता है, वो भी उसको वो रिकॉग्नाइज करके ले आता है। तो आज टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है, और मैं मानता हूं कि इस प्रकार के प्रयोग हमें वैल्यू एडिशन करते हैं। अब पहले क्या होता, तो मैं कहीं जाता था, कोई फोटो फोटो मांगता था, देते थे। आज मैं कहता हूँ भाई तुम एआई पर जाओ, मेरे नमो ऐप पर जाओ, फोटो बूथ में जाओ, खुद की सेल्फी ले लो, आपको आपके साथ मेरा जितना भी फोटो होगा कि कोने में आप खड़े होंगे तो भी मिल जाएगा। तो हमने थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की मदद करने के लिए उपयोग करना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि पहले उसको कम्फर्ट लेवल देना, उसको लगना चाहिए हाँ यार ये तो मेरे काम का है। जब काम में होता है तो फिर उसको इनोवेशन करता है, वो नई चीजें जोड़ देता है। I'd love to hear your view on how India sees AI. अगर हम AI को एक मैजिक के टूल के रूप में उपयोग करेंगे तो शायद बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, या AI का उपयोग अपने आलसीपन को बचाने के लिए मैं करता हूं कि भाई मुझे किसी को चिट्ठी लिखनी है, मैं ड्राफ्ट नहीं करूंगा, मैं ChatGPT को कह दूंगा कि मेरी चिट्ठी ड्राफ्ट करके दे दो, तो ये गलत रास्ता है। मुझे तो ChatGPT के साथ कंपटीशन करना चाहिए, मैंने उसके साथ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम ये शब्द की जगह ये क्यों नहीं लाए,
तो मैं एआई से आगे जाने की कोशिश करूं। अब जैसे हमारे यहां बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी बोलियां हैं, मैं एआई को कहता हूं आप इन बोलियों को पकड़िए। मेरे एस्ट्रोनेट्स को इंट्रोडक्शन के लिए गया था तो हमारे एस्ट्रोनेट्स किस प्रकार से काम करने वाले थे, जो रोबोट से मैं बात कर रहा था, मैंने रोबोट से काफी बातें की और मैंने देखा कि मेरे और मैं अलग अलग टोन में बोलता था, थोड़ा लहजा बदल के बोलता था और मैं देख रहा था कि वो मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहा था। फिर मैंने उसका नाम बदल करके पूछने की कोशिश की तो फिर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो मैंने कहा आपका एआई, मैंने 3 मिनट 4 मिनट बात किया, अभी तक वो मेरी आवाज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। जब तक मैं उसका नाम नहीं बोलता हूं वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मैं वो चाहता हूं कि मेरे आवाज को सेंस करे और भले ही मैं उसका नाम न बोलूं लेकिन वो मेरे से बात करे। तो उन्होंने कहा ठीक है विल डू दिस। तो मैं हर बार नई चैलेंज देता रहता हूं। इट्स अर्ली डेज इन एआई एंड आई थिंक एवरीवन यूजेस इट। इन द सेम डे यू आर सरप्राइज्ड एट हाउ गुड इट इज एंड यू आर आल्सो सरप्राइज्ड एट हाउ बैड इट इज। It'll do things you think are hard, and then it'll fail to do some things you think are easy. I started my trip here in Hyderabad, which was a nice occasion because Microsoft is celebrating 25 years in the country, and that's been such a fantastic experience. So I was definitely challenging the team there, hey, we have to make the accuracy better. And for now, it's like a co-pilot. It helps suggest things, but the final decision about medicine or the letter you want to write, the final decision, we still have to review that, even though it may make us a bit more creative and a bit more productive. You know, it seems like AI is a huge opportunity, but there's some challenges that come with that. How do you think India will approach that? देखिए एआई ने जो चैलेंजेस खड़ी की है वो मैंने देखा है कि कितनी अच्छी चीज अगर प्रॉपरली ट्रेन किया बिना किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो मिसयूज होने की संभावना ज्यादा है। अब मैंने एआई से जुड़े सारे ब्रेन से उनसे भी बात की, मैंने कहा शुरू में हमने कोई भी एआई जनरेटेड चीज है उस पर आना चाहिए वाटरमार्क, ये एआई जनरेटेड है ताकि कोई मिसगाइड ना हो। और ये बुरी चीज नहीं है, सिंपली इट्स एआई जनरेटेड तो मैं उसका वैल्यू समझ लूंगा। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज डाल दे, जैसे मेरे ही वॉइस में कुछ ऐसी गंदी चीज डाल दे तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे, तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि डीप फेक एआई जनरेटेड और ये सोर्स है, ये आज शुरू के दिनों में, आगे कर करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। उसी प्रकार से मैं एआई से पहले काम वो लूं जिसकी मेरी महारत, मेरी महारत हो और मैं थक गया हूं सो जाऊं वो कर लेगा तो वो ठीक नहीं है। जैसे हम कह देते कि भाई तुम 5 बजे उसको फोन लगा देना तो यही कर देगा, या मैं कह दूंगा कि मेरा वो गाना मुझे सुना दो तो कर देगा। तो मुझे पता होना चाहिए ना कि भाई मुझे इस समय किस गाने को सुनने की जरूरत है, मेरे लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मैं ये ना करता, मेरे टूल का ही उपयोग करने के लिए खेल खेलता रहूं तो शायद मैं वैल्यूएशन नहीं कर पाऊंगा, टाइम पास कर लूंगा। इन द एआई वर्ल्ड डेटा इज सो इम्पोर्टेंट एंड येट यू नो पीपल हैव कंसर्न्स, प्राइवेसी कंसर्न्स, हाउ डू वी स्ट्राइक द बैलेंस देयर? डेटा एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है, हमने उसकी सिक्योरिटी भी देखनी चाहिए। भारत के कानूनी व्यवस्था तो की है लेकिन लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आज हमारे देश में यूनिवर्सिटीज वगैरह सारे सर्टिफिकेट क्लाउड में रखवा देता हूँ ताकि खर्चा भी बचता है और जो भी रिक्वायरमेंट मिल जाती है। मेरे यहाँ कंप्लायंसेज की जरूरत होती थी, मेरे सारे कंप्लायंसेज की जरूरत नहीं है, आप अपना डेटा एक क्लाउड पर डाल दीजिए,
मुझे आपका आइडेंटिटी दीजिए, मुझे जो जरूरत है मैं उसमें से ले लूंगा। तो मैं नागरिकों का ईज ऑफ लिविंग के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग कर रहा हूं। सर्विसेज के लिए पहले करता था, अब मैं ईज ऑफ लिविंग के लिए कर रहा हूं।